हेलो एवरीवन। सो आज थोड़े गैप के बाद फिर से आ रही हूँ। थोड़ी बिजी हो गई थी एक्चुअली। जुलाई 2020 से मेरी जॉब जा चुकी थी। जून 2020 में मेरी जॉब जा चुकी थी। जुलाई से आई हैव बीन जॉबलेस। तो मैं अभी पिछले कुछ दिनों से, जब क्योंकि स्कूल्स के इंटरव्यूज अब स्टार्ट हुए हैं, इससे पहले नो स्कूल वॉज अपॉइंटिंग, देर नो रिक्रूटमेंट्स टेकिंग प्लेस इन स्कूल्स। तो अभी वो सब स्टार्ट हो गया है, तो इवन आई हैड स्टार्टेड अप्लाइंग इन ऑल द स्कूल्स। तो वहाँ से कुछ इंटरव्यूज़ आ रहे हैं। बड़ा अच्छा लग रहा है, बड़ा मज़ा आ रहा है लोगों से बात करने में, उनकी रिक्वायरमेंट जानने में, उनकी पैडागॉजी जानने में, ये देखने में कि स्कूल कितना पेन ले रहे हैं बच्चों को अच्छे से अच्छा देने के लिए। तो जब वो इंटरव्यू लेते हैं तो एकदम फुल कर लेते हैं, ठीक से कस के इंटरव्यू लेते हैं, कुछ लूप होल नहीं छोड़ते। तो उसकी प्रिपरेशन में पूरा पूरा दिन निकल जाता है। मोर ओवर, अभी पिछले हफ्ते मेरी मदर लॉ अपने अपने मायके से वापस आई, तो साथ में गेहूं लेके आई, गांव के गेहूं, खेतों के, अपने खेतों के। तो उनको साफ़ करना वॉज अ टास्क। आई वॉज डूइंग दैट ऑल्सो। वो सब साफ़ वाफ करके आज मुझे थोड़ा टाइम मिला, तो मुझे लगा चलो थोड़ा सा अपने व्यूअर्स से, अपने फ्रेंड से बात की जाए। तो लास्ट मैंने आपको बताया था कि मैं एक स्कूल की ब्रांच हेड बन गई थी, उसी स्कूल की जिसमें पिछले 4 साल से काम कर रही थी। ब्रांच हेड बनने के बाद मैंने देखा वहाँ पे बहुत चैलेंजेस हैं। देखो चैलेंजेस तो हर जगह होते हैं, लेकिन वहाँ क्या था कि सारे डिपार्टमेंट्स मुझे ही देखने पड़ रहे थे। बिकॉज इट वॉज़ अ न्यू ब्रांच, तो अभी बहुत ज़्यादा स्टाफ भी नहीं अपॉइंट किया हुआ था, तो बहुत सारी चीज़ें थी, और रिन्यूमरेशंस में कोई इंक्रीज़ नहीं था। तो इट वॉज़ अ लिटिल बिट डिस्करेजिंग फॉर मी कि काम बढ़ गया है, सैलरी बढ़ी नहीं है। वट एवर, आई डिड माई बेस्ट फॉर 1 फुल ईयर। हम लोग वहाँ पे क्या करते थे, हम स्कूल की मार्केटिंग करने के लिए कैनपीज लगाते थे इवनिंग टाइम में, आफ्टर स्कूल। आफ्टर स्कूल भी इवनिंग में 5, 5:30, 6 o'clock मार्केट्स में, आसपास के जो अच्छे क्राउडेड मार्केट्स थे वहाँ पे कैनपी लगाना, मतलब वहाँ पे अपना एक सेटअप इस्टेब्लिश करके बच्चों के लिए कुछ ना कुछ गेम्स वगैरह रखना, या कोई ड्राइंग कॉम्पिटिशन रखना, या कोई टैलेंट हंट रखना, जहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा लोग आके हमें कांटेक्ट करें और हमें अपना हम उनको अपने स्कूल के बारे में बता सकें और जान सकें कि हाउ मच आर दे इंटरेस्टेड इन आर स्कूल। तो ये करते रहे, आई केप्ट ऑन डूइंग दिस फॉर 1 फुल ईयर। मैं उम्मीद करती रही कि स्कूल चल निकलेगा, ठीक रहेगा, बट सम हाउ थिंग्स डिडन टर्न अप गुड। जैसा मुझे एक्सपेक्टेड था वैसा नहीं हुआ। उस बीच फिर मुझे हमारे डायरेक्टर ने बोला कि आप अपने लिए एक ना हेल्प अपॉइंट कर लो, हु इज़ गोइंग टू हेल्प यू आउट इन अकेडमिक्स और वट एवर, एंड मतलब आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज शेयर कर सकते हो इक्वली। तो आई थॉट इट वॉज़ गुड आइडिया। तो मैंने इंटरव्यूज़ रखे, इंटरव्यूज़ किए गए, डायरेक्टर से मिलवाया गया शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स को। तो जो फाइनली फाइनल हुई एक कैंडिडेट, वो मुझसे डबल सैलरी एक्सपेक्ट कर रही थी, और हमारी जो डायरेक्टर थी उन्हें 5,000 कम पे लाना चाह रही थी कि उसको बोलो कि इतना कम में ले ले, बाकी देख लेंगे आगे जैसे होगा, स्कूल स्टार्ट हो जाए ठीक से चल पड़े तो। एंड दिस थिंग एक्चुअली पिंच मी अ बिट कि ऐसा कैसे मुझसे डबल सैलरी वाले को आप लाने को तैयार हो और मुझे मेरी सैलरी नहीं बढ़ा रहे हो, एंड शी विल शेयर माई रिस्पॉन्सिबिलिटीज ओनली। मैंने इस बारे में बात की अपने डायरेक्टर से कि दिस इज़ समथिंग विच आई फील अनफेयर, तो मुझे आप या तो मेरे भी उसके जितने ही करो सैलरी, आप मेरे रिन्यूमरेशन, या फिर उसको इतना क्यों ऑफर कर रहे हो। एंड शी सेड जिसको जितना, जो जिसके लायक है उसको उतना मिल रहा है इस वक्त। मुझे ये बात ठीक नहीं लगी, क्योंकि जितना मैं काम कर रही थी स्कूल के लिए, कैनपीज लगाना, एक्चुअली मैं उस वक्त स्कूल में भी कोई ना कोई इवेंट ऑर्गेनाइज करती रहती थी। कभी मैंने दिवाली मेला लगा दिया, या बच्चों के लिए ड्राइंग कंपटीशन ऑर्गेनाइज कर दिया, स्कूल में बच्चे आए ड्राइंग कंपटीशन में पार्टिसिपेट करें एंड विन गिफ्ट्स, और मैं स्पॉन्सर्स भी अरेंज कर लेती थी उनके लिए कि जो गिफ्ट्स देने हैं उसका बर्डन भी मेरे पे ना आए, स्कूल मैनेजमेंट में ना आए, स्पॉन्सर्स आए वो गिफ्ट्स दें। तो इतना कुछ करने के बाद आई डिड नॉट डिजर्व दैट मच सैलरी, ये मुझे चीज़ ठीक नहीं लगी। एंड आई ट्राइड, एंड एज आई टोल्ड यू, मैं वैसे भी थोड़े अपने फाइनेंसिस की तरफ तब तक ध्यान देने लग गई थी कि आई नीड मोर फाइनेंसिस टू सपोर्ट माई हस्बैंड इन अ बेटर वे। तो उसके बाद मैंने अलग अलग ऑफिसेज में, अलग अलग स्कूल्स में अप्लाई करना स्टार्ट किया, एंड आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी इन अ वेरी गुड स्कूल नियर बाय माई हाउस। दैट वॉज अ गुड ब्रांडेड स्कूल, वो बहुत रिनाउंड था हमारे एरिया में,
और वहाँ पे मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिल गई एंड आई ग्रैब द अपॉर्चुनिटी एंड आई स्विच्ड माई स्कूल। तो आज मैं एक पेरेंटिंग टिप आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। तो स्टार्ट करते हैं। आज ये मेरा फर्स्ट पेरेंटिंग टिप है आप लोगों के लिए। द टिप इज़ ट्रस्ट योर चाइल्ड फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। जब अभी आपको पता है उसने झूठ बोलना शुरू ही किया है, हर एक बच्चा स्टार्ट करता है कभी ना मैनिपुलेशंस करता है, चीज़ों को अपने हिसाब से मोल्ड करता है, झूठ बोलता है हर बच्चा कभी ना कभी किसी न किसी स्टेज पे आके। तो जब भी कोई झूठ बोल रहा है ना, उसको ट्रस्ट करो कि अच्छा पानी किसने बिखेरा, दीदी ने, अच्छा ठीक है, अब बच्चे को कुछ नहीं बोलना, दीदी को भी कुछ नहीं बोलना, यू क्लीन इट। लेकिन आपने बच्चे पे ट्रस्ट कर लिया है। नेक्स्ट टाइम, ये पेंसिल किसकी है, वो मुझे मिल गई थी तो मैं ले आया, क्यों ले आया, लॉस्ट एंड फाउंड में क्यों नहीं सबमिट किया, यू शुड हैव डन इट, बट आई ट्रस्ट यू, ठीक है चलो। नाउ नेक्स्ट टाइम, कहाँ गए थे, मैं तो अपने फ्रेंड के साथ पढ़ने गया था, तो बता के जाना था, कौन से फ्रेंड के आ गए थे, बता के जाना था, कोई काम पड़ जाए, कुछ हो, हाउ टू कॉन्टैक्ट यू, चलो इट्स ओके, नाउ कीप दिस इन माइंड फॉर नेक्स्ट टाइम। तो जब स्टार्टिंग से आप उसको ट्रस्ट करना स्टार्ट करेंगे ना, तो आपको झूठ बोलने से डरेगा। हर एक बच्चा अपने टाइम में, अपने गिवन सिचुएशन में, जब उसको पता है कि मुझ पर ट्रस्ट नहीं किया जाएगा और मुझे इंटरोगेट किया जाएगा, तो वो अपनी स्टोरीज कुक करके रखता है। हर एक बच्चा कभी ना कभी ये ज़रूर करता है। लेकिन अगर आपने उसको ट्रस्ट किया, मुझे पता है कि कभी ये होता है कि हमें पता है बच्चा खेलने गया था, हमें पता है बच्चा कहीं पे गलत चला गया था, जो उसको नहीं करना चाहिए था वो काम उसने कर दिया, लेकिन आज वो हमें झूठ बोल रहा है, उस वक्त उसे मत शो कीजिए, आप ट्रस्ट कीजिए उसको वो काम से रिफ्रेन करने के लिए जो आप नहीं चाहते कि वो करे। एग्जांपल्स दीजिए, अदर एग्जांपल्स जहाँ पे आप ये बता सकें कि हाउ हार्मफुल दैट वुड हैव बीन फॉर दैट पर्सन जिसने ये गलत काम किया और घर पे झूठ बोल दिया, उसके लिए कितना हार्मफुल हो सकता था, वो नहीं समझता। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे हम क्या चाहते हैं, हम भी अपने बच्चों की सेफ्टी चाहते हैं, हम कंसर्न्ड होते हैं कि बच्चे कुछ गलत ना कर बैठे, इसलिए हम बारी बारी क्वेश्चन करते हैं, उनको इंटरोगेट करते हैं, या हम अपनी ईगो को तो क्वेंच करने के लिए ऐसा नहीं करते। अगर आप ऐसा करते हैं तो प्लीज़ स्टॉप डूइंग इट। बच्चा इज़ ऑल टुगेदर अ डिफरेंट पर्सनालिटी, ही इज़ एन इंडिविजुअल, वो आपकी प्रॉपर्टी नहीं है, ही बिलोंग्स टू यू, बट वो एक सेपरेट इंडिविजुअल है, उसकी अपनी लाइकिंग्स डिसलाइकिंग्स चॉइसेस हैं, वो हमेशा वो नहीं कर सकता जो आप चाहते हैं, इसलिए उसको फर्स्ट ऑफ ऑल अपनी स्पेस दीजिए और उस पर ट्रस्ट कीजिए। जब आपको पता है कि वो नहीं सच बोल रहा, तब भी ट्रस्ट कीजिए कि ठीक है, वट एवर यू आर टेलिंग मी आई टेक इट एज अ ट्रूथ एंड इट्स ओके। बाद में एग्जाम्पल्स के थ्रू, बाद में किसी और सिचुएशन के थ्रू आप समझा सकते हैं कि अगर ये किया होता तो उसका क्या हार्म हो सकता था, या कितना हार्मफुल तुम्हारे लिए हो सकता था, दैट्स व्हाई आई वाज आस्किंग, अदरवाइज इट्स ओके इफ यू आर डूइंग दैट, इट्स ओके। जब इतना ट्रस्ट आप बच्चे पे करेंगे, जब उसको अपने डिसीजंस लेने की फ्रीडम देंगे, तो वो डेफिनेटली आपसे सच ही बोलेगा। आई हैव एक्सपेरिमेंटेड दिस विद माई चिल्ड्रन, वेन आई न्यू इवन दैट in this place he is not telling me the truth or she is not telling me the truth, I trusted in them, I believed them, aur unko maine bola ki theek hai, whatever you are telling me I take it as a fact, I take it as the truth, lekin now be careful ki aisa hona chahe, kabhi hame darna hai, kyunki kabhi na kabhi bacche galat raste pe jab chale jayenge to hum wo apna hi kar lenge, hame is cheez se unko refrain karna hai। इसके लिए उनको बारी बारी इंटरोगेट करके, या ये बता के कि हाउ अनट्रस्टवर्दी दे आर, और ये बता के कि वो जो भी करते हैं वो गलत ही करते हैं, इट्स नॉट गोइंग टू सॉल्व द प्रॉब्लम। सो टेल देम, रिस्पेक्ट देम एंड टेल देम दैट ओके, वट एवर दे आर टेलिंग देम टेलिंग यू इज द ट्रूथ एंड यू बिलीव देम, इट विल स्ट्रेंथन योर बॉन्ड विद योर चाइल्ड। ट्राई एंड डू दिस, एंड इफ यू वॉन्ट टू आस्क एनीथिंग एल्स अबाउट इट, प्लीज़ send me the message in message box, I'll try and answer them as soon as possible, okay, so bye for now, we'll meet again, till then keep liking, sharing and subscribing my videos, thank you so much।